जहरा, I have some bad news for you. मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं. क्या हुआ सर? मुझे लगा आप सेंचुरी की बधाई देंगे. यहां तो माहौल ही कुछ और है. हाँ, तुम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा. अजहर हैंसी ने वहां बयान दिया है और अपने बयान में उसने कहा है कि तुमने उसे एम के शर्मा से, जो कि एक बुकी है, मिलवाया था. एंड दिस इज ए सीरियस एलिगेशन और एसोसिएशन इसे इग्नोर नहीं कर सकती. पढ़ो इसे. दिस न्यूज इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड विल हैव टू ऑर्डर एन इंक्वायरी. सर ये गलत है. मैं किसी एम के शर्मा को नहीं जानता हूँ. कम ऑन अजहर, वो बात नहीं है. 150 प्लेयर्स हैं, 11 टीम्स हैं, बट ही हैज नेम्ड यू. व्हाई? सर पार्टी में हजार लोग मिलते हैं, कोई गले मिलता है, कोई हाथ मिलाता है, फोटो खिंचाते हैं. मुझे क्या मालूम उनमें से कोई दुखी है. सर आप कहां इनसे बात कर रहे हैं? We must take action against him. अजहर, I have a lot of respect for you as a player. तभी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम एक बड़ा लॉयर कर लो, because this is going to take a while to settle. एक बात और, जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, एसोसिएशन तुम्हें क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं दे सकती. इतने सालों से जानते हैं आप मेरे को, मैं ऐसा कर सकता हूँ? बताइए आप. अजहर, I'm sorry. There is nothing more we can do for you. क्या सर? Let's go. महाराष्ट्र क्रिकेट फैंस ने अजहर के घर के बाहर पुतले जलाए और नारे लगाए. अरे इसका लॉकर था रॉयल होटल में, अजहर का ना. कितनी बार मैंने पैसे डलवाए उसमें. अजहर ने सीधे 5 लाख कैश निकालकर पप्पू भाई से घड़ी खरीदी. आई मीन हु कैरीज दैट काइंड ऑफ कैश. 15 जून को हैंसी ने ये कहा था कि उन्हें बुकी से मिलाने वालों में अजहर भी शामिल थे. अजहर के खिलाफ ये जांच इसी आरोप के बाद शुरू की गई. अजहर पर 3 मैच फिक्स करने का इल्जाम लगा. पहला 1996 में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका जुबली कप राजकोट, दूसरा इंडिया वर्सेज श्रीलंका 1998 में, और तीसरा जयपुर में खेला गया 1999 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच. हमें आपके घर के तलाशी का ऑर्डर मिला हुआ है, ये रहा वारंट. अजहर की भूमिका के बारे में बनाई गई चंद्रचूड़ कमेटी ने अपनी 330 पेज की जांच रिपोर्ट के पैरा 153 में ये लिखा है कि अजहर के एम के शर्मा और दूसरे बुकीज के साथ नजदीकी संबंध थे और वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे. I am in absolute shock. I refuse to believe that Azhar could do this. I've known him for many years. This just seems impossible. मेरा नाम अजहर.